तो हेलो दोस्तों, प्रणाम सलाम सत श्री अकाल जोहार। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम पल्सर BS4 को पल्सर BS6 करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पल्सर BS4 को BS6 करने के लिए आप लोगों ने ऑनलाइन स्टिकर तो आप मंगा लेते हो, लेकिन आप उसको इंस्टॉल नहीं कर पाते हो, आपसे मिस्टेक हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही चीज़ आपको सिखाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं और समझाने वाले हैं, एक स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं कि आप जो है ऑनलाइन स्टिकर BS6 का मंगा करके BS4 में कैसे उसको इंस्टॉल करें। और दोस्तों हमारा जो भाई है, इन्होंने भी जो है आप देख पा रहे हैं, इन्होंने BS4 का BS6 का स्टिकर यहाँ पर मंगाया था और ये इंस्टॉल नहीं कर पाया, आधा अधूरा लगाए तो ये मेरे पास लेकर का है। इसलिए दोस्तों ये वीडियो हम बनाना जरूरी समझे और आप लोग को यहाँ पर आपको दिखाना जरूरी समझे। तो चलिए आज बाइक की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ इंस्टॉल किया है, कहाँ कहाँ इंस्टॉल नहीं कर पाए, जो कि इनके लिए बहुत टफ था, और वो चीज़ हम आपको यहाँ पर इंस्टॉल करके दिखाएंगे और स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है पल्सर BS4 बाइक, आप देख पा रहे हैं, और इस बाइक को BS6 बनाने के लिए इन्होंने जो है ऑनलाइन स्टिकर परचेज करा है। BS6 का स्टिकर है, जो कि ये आप देख पा रहे हैं टैंक का स्टिकर है और ये जो उसका लोगो है। तो सारा चीज़ आपका इसका बताएंगे और इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बाइक पर आते हैं और दिखाते हैं कि तो ये जो स्टिकर है इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल तो कर लिया है, ये लगा लिया है, लेकिन ये जो बॉडी स्टिकर है दोस्तों, ये एरिया बहुत ज़्यादा कर्व होता है तो यहाँ पर लगाना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टफ होता है। इसके लिए इन्होंने ये बाइक मेरे पास लेकर के, हालांकि ये मंगा तो लिए थे लेकिन ये लगा नहीं पाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये सब चीज़ आपको दिखाने वाले हैं और समझाने वाले हैं कि ये सब चीज़ अगर आप अपने घर में इंस्टॉल करते हैं तो कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे करना चाहिए, जो कि बहुत आसानी से और बहुत ईजिली हो जाए। तो दोस्तों BS6 का जो स्टिकर है दोस्तों, वो आपका देखिए वाइजर में बहुत आसानी से इंस्टॉल हो जाता है, और टैंक का साइड वाइजर जो देख पा रहे हैं वहाँ पे लगा हुआ है तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन टैंक का जो स्टिकर है दोस्तों, जो टैंक में आप लगाएंगे तो वहाँ पर आप नहीं लगा पाएंगे। वहाँ पर लगाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर हॉट एयर गन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, गर्म करके आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो एरिया है दोस्तों, वो एरिया थोड़ा सा कर्व है और कर्व एरिया में आपको लगाने के लिए स्टिकर को थोड़ा सा आपको नर्म करना पड़ेगा और थोड़ा सा पानी देके लगाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपके पास हॉट गन नहीं है तो आप वहाँ पर जो है बाल सुखाने वाला ग्लोवर भी यूज कर सकते हैं, उससे भी बहुत आसानी से ये लग जाता है। दोस्तों इसका टैंक में स्टिकर लगाने से पहले ये जो वाइजर दोस्तों देख पा रहे हैं, ये वाइजर में आपको स्टिकर यहाँ पर लगा लेना होगा और फिर वाइजर का जो ये वाइजर को आपको खोल लेना होगा, क्योंकि इसका जो स्टिकर है दोस्तों, ये स्टिकर आपका थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, बड़ा है, आप देख पा रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक बाहर चला रहा, तो इसलिए ये जो पोजीशन यहाँ तक आ रहा है तो इसको आपको अंदर तक लेना पड़ेगा, अंदर तक लगाना पड़ेगा तब ये होगा, तो इसलिए इसको खोलना पड़ेगा। लेकिन खोलने के पहले दोस्तों इसका जो आप नाप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये ऐसा बैठता है, सॉरी यहाँ पर बैठता है, इस तरह से बैठता है, तो इसका जो नाप है, ये स्टिकर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो आपको यहाँ पर एक पेन में पेन का दाग देना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी यहाँ पर एक पेन का हम यहाँ पर दाग दे देते हैं और पेन का दाग देने के बाद फिर इसी नाप से हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देख पा रहे यहाँ पर हमने यहाँ पर दाग मारा है और ये जो लकीर देख पा रहे हैं ये ऐसे इसका है, और ये चीज़ आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये कितना दूर में है, मतलब कितना गैपिंग है, तो उसी हिसाब से आपको इसमें देना है। यहाँ पर देखिए ये दाग है, ये दाग से आपको देना है और ये गैपिंग आपका इतना है, तब जाकर के ये बैठेगा, सॉरी है, और इसको आपको निकाल देना है। इसको निकालने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा पानी मार के और इस बूट से आपको यहाँ पर इसको पहले बिठा लेना है, एक जरा सा भी हिलना नहीं चाहिए, ये बैठ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर छोड़ देना है 10 मिनट के लिए इसको सूखने के लिए, और नहीं सूखता है तो आपको हॉट गन मार के इसको बिठा दीजिए, इस तरह से बैठ जाएगा 10 मिनट तक, यह सूख जाएगा आपका, ये पकड़ लेगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इसको टांग के बिठाना है, तो अभी आपको दिखाते हैं बंद कर। तो दोस्तों ये 10 मिनट हो गया, सूख गया और ये बैठ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से टानेंगे, इसको इधर से टानेंगे, क्योंकि यहाँ पर बैठ गया है, ये पकड़ बना लिया है, तो इसको टानेंगे। टानने से पहले जैसे यहाँ पर आपको पानी मार लेना होगा, शैम्पू पानी, इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर टानना इसलिए क्योंकि ये जो एरिया है, ये एरिया कर्व है, और ये कर्व एरिया को आपको बिठाने के लिए यहाँ पर आपको होल्ड गन देना पड़ेगा, गन मारना पड़ेगा, इसको नॉर्मल करना पड़ेगा, और नॉर्मल करके फिर इसको आपको टानना पड़ेगा, तब ये कर्व एरिया में बहुत आसानी से बैठ जाएगा। अब इसको ऐसे टान के आपको इस तरह से बूट मारना है। देखिए दोस्तों बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से ये बैठ गया यहाँ पर, यहाँ तक बिठा लिए। अब इसको आपको छोड़ दीजिए 10 मिनट, इसको सूखने दीजिए, इसको सूख जाएगा, यहाँ तक सूख जाएगा, यहाँ तक चिपक जाएगा बहुत अच्छे से, फिर आपको ये एरिया में बिठाना है। तो इस तरह से ये स्टिकर को बिठाना है, तो यहाँ तक बैठ गया ये, अब ये
बैठ जाएगा, सुन जाएगा, उसके बाद फिर हम ये एरिया को बिठाएंगे। यहाँ तक बैठ गया, आप देख पा रहे हैं। अब इसको बिठाने के लिए फिर उसी प्रोसेस का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर पानी मारेंगे, शैम्पू पानी, और यहाँ पर दोस्तों हम गन मारेंगे इस तरह से, और इसको गर्म करेंगे, नॉर्मल करेंगे, और फिर इसको हम तान के वहाँ पर बिठा लेंगे इस तरह से। तो दोस्तों इधर जब तक सूखता है तब तक हम उधर का काम कर लेते हैं। तो दोस्तों इस साइड का हमने इंस्टॉल कर लिया है, इसको अभी सूखने देते हैं। और इधर का जो हम लगाए थे उधर को अभी हम देख लेते हैं, इधर वाला सूख गया है, तो इधर का पेपर को अभी हम निकाल देते हैं, और जो नहीं बैठा है उसको फिर हम बढ़िया से बिठा लेंगे। तो ये पेपर को इस तरह से, जो ऊपर का पेपर था उसको अब निकाल देते हैं इस टाइप से। ये देखिए ये निकल गया, ये आ गया। अब ये सब जगह जो नहीं बैठा है दोस्तों, इसको आपको गर्म करके यहाँ पर इस तरह से होट मार मार के बिठा लेना है, ये बहुत इजीली बैठ जाएगा। ये जो है फ्लिपकार्ट से मंगाया गया है, लेकिन ये क्वालिटी बिल्कुल लो है, एकदम बेकार क्वालिटी है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और प्राइस भी आपका बहुत ज़्यादा ले लिया है, इसका प्राइस दोस्तों लगभग 515 रुपये इसको लिया गया, लेकिन एकदम लो क्वालिटी है। तो ये आप मंगाए तो इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ से मंगा लीजिएगा, या फिर आप अपने लोकल शोरूम में ले लीजिएगा। दोस्तों BS4 से BS6 हमने बना दिया, लेकिन ये स्टिकर के बारे में आपको बता रहे हैं, ये तो ऑनलाइन परचेज किया गया है, और इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे अगर ये स्टिकर आपको पसंद आया। कैसे लगाना है इस वीडियो में आपको बता दिए। और ये जो 3D लोगो देख पा रहे हैं दोस्तों, ये लोगो है इसका बिल्कुल पुअर क्वालिटी है, बिल्कुल लो क्वालिटी है, आप इसको घटिया क्वालिटी बोल सकते हैं, ये अच्छा नहीं है। मतलब ये फ्लिपकार्ट से परचेज किया गया है, इसका प्राइस दोस्तों 515 रुपये लिया गया है, लेकिन ये क्वालिटी बिल्कुल लो है और अच्छा नहीं है। और दोस्तों BS6 में ये जो आप बजाज का लोगो देख पा रहे हैं, इसका सीन नहीं है, लेकिन इसके साथ ये लोगो आया था, इसलिए भाई साहब ने कहा कि इसको यहाँ पर लगा दिया जाए, तो इसलिए इसको यहाँ पर लगा दिया। हम BS6 का जो स्टिकर आता है दोस्तों, उसमें सिर्फ आपका ये पल्सर लिखा हुआ 3D आता है, ये लोगो का सीन वहाँ पर नहीं रहता है, इसीलिए दोस्तों ये लोगो को हम यहाँ पर ऐड कर दिए, देखने में ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए एक नज़र आपको दिखा देते हैं इसका पूरा, यहाँ पर इन्होंने इंस्टॉल करके लाया था देख पा रहे हैं, और ये हम लगाए हैं, और ये काउल में ये पहले से ही मतलब ये लगा करके लाए थे, इनसे हुआ नहीं तब ये मेरे पास लेकर के। ओवरऑल ये बाइक अच्छी लग रही है देखने में, BS6 की जैसी लग रही है, इसको थोड़ा सा कंडीशन में कर लिया जाएगा, और अगर वो इस सब में पेंट वगैरह या फिर इसमें स्मोक लगा दिया जाए तो बाइक बिल्कुल न्यू हो जाएगी। आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बटन को भी दबा दिए। तो हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।